मैं आपका स्वागत है। तो आज की अव्यक्त सुनने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी मस्तक के मध्य में देखें चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को। मैं आत्मा निर्मल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। भगवान अव्यक्त परिष्कार रूप धारण कर पहुंच जाए वतन, बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें बाप दादा की ऊंची रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। और आज हम महावाक्य सुनेंगे। सभी छात्र खोकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक-एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। जो मुरली हम स्टडी कर रहे थे उसकी डेट थी 19 मार्च 1981। उसका आज हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। तो ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आते हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहला, बाप दादा ने पूछा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, ऐसे अपने को पद्मा पद्म भाग्यशाली अनुभव करते हो? सारे दिन में कितने पद्म जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो? माता ने पूछा। जबकि बाबा कहते हैं आपके हर कदम में पद्मों की कमाई है, तो बाबा ने पूछा, सारे दिन में कितने पद्म जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो? पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो? सब सदा एक मत और एक रस है, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक मत और एक रस, एक बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, एक मत होकर चलते हैं, और एक रस अर्थात एक शुद्ध बाबा से सब रस, तो स्थिति एक रस है, फ्लक्चुएटिंग नहीं, कभी कभी स्मृति स्वरूप, कभी कभी विस्मृति, कभी कभी उमंग उत्साह, कभी कभी दिल शिखर, कभी कभी शक्तिशाली, कभी कभी शक्तिहीनता का अनुभव। ये एक रस स्थिति नहीं है, एक रस स्थिति है था कंटिन्यूअस नॉन फ्लक्चुएटिंग। तो बाबा ने कहा सब सदा एक मत और एक रस है,
यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने कहा और दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। ऐसे बड़े संगठन को देखते हैं तो बाबा कहते हैं, एक एग्जाम्पल एक सेवा का साधन बन जाता है। इतनी सारी आत्माएं, इतने वैरायटी संस्कार होंगे, लेकिन फिर भी कैसे एक मत और एक रस होकर रहते हैं, एक दूसरे की, एक दूसरे को सम्मान रिगार्ड देते हैं, आपस में कितना स्नेह है। तो बाबा कहते हैं ये संगठन इन इटसेल्फ सेवा का साधन बन जाता है। तो एक बात एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, कोई खिटखिट तो नहीं है, बाबा ने तो पूछा। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रखती। तो माया किससे डरती है? संगठन की यूनिटी से। जहां संगठन की यूनिटी है वहां माया आने की हिम्मत नहीं रखती। तो एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझ कर चलते हैं, एक नहीं लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। कल की भी ये व्यक्तवाणी में था ना, कल संडे की जो मिल दी हम सभी में सुनी, तो बाप दादा ने बताया सफलता का आधार स्मृति, करण करावनहार बाबा है। अम्मा का स्लोगन भी कल बाबा ने स्मृति में दिलाया, हुक्मी हुकुम चलाए था। तो बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। निमित्त और निर्माण बाप दादा करा रहा है, बाप दादा की सेवा, बाप अपना कार्य कर रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। फिर आगे दूसरे ग्रुप से, दूसरे एक्सल्ट में बाबा ने पूछा, सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? निर्बंधन आत्मा कौन? जिसको कोई प्रकार का बंधन नहीं, स्थूल सूक्ष्म सर्व बंधनों के प्रभाव से परे। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का बंधन तो महसूस नहीं करते। अगर हम चिंतन करें तो कितने प्रकार के बंधन हो सकते हैं? एक है शरीर का बंधन, संबंधों का बंधन, परिस्थितियों के आने वाले बंधन, लोक लाज, कुल मर्यादाएं, इन सब के बंधन, फिर अपने चंचल मन के बंधन, अटकती बुद्धि के बंधन, पुराने संस्कारों के बंधन। तो ऐसे बंधनों की भी, स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की निकाली जा सकती है। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते। आगे बाबा ने कहा नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो,
मैंने कहा नॉलेजफुल, जो बच्चे बने तो नॉलेजफुल। बाबा ने कहा नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, तो लाइट और माइट से क्या होगा, बंधन कट जाएंगे। प्रकाश मनी दादी भी कहते थे ना कि अगर आपका योग यथार्थ है तो 1 साल के अंदर कोई भी ऐसे बंधन हो वो सब कट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कोई बांधेले भी हो। लेकिन अगर आपका योग यथार्थ है तो आपके बंधन कट जाएंगे, 1 साल के विभिन्न बंधन सारे कट जाने चाहिए। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो, नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, लाइट और माइट। लाइट अर्थात ज्ञान की लाइट, समझ, तो समझदार हैं वो बंधनों से युक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने ज्ञान के पॉइंट्स को अप्लाई करके बंधन मुक्त बन सकते हैं। और माइट, माइट अर्थात योग की शक्ति, योग बल से बंधनों को कट कर सकते हैं। वैसे भी नॉलेज का एक कौन सा रूप दिखाया गया है शास्त्रों में, नॉलेज को किस अस्तर से दिखाया गया, स्व का दर्शन, स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र को कितना शक्तिशाली अस्त्र दिखाया गया, जब हम स्व का दर्शन करते हैं बाहर के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर दर्शन के, पर चिंतन के, बाहर व्यर्थ के, कलयुग के वातावरण के प्रभाव के, क्योंकि स्व का दर्शन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना, नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं। बाबा पूछते हैं नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं, जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, यह दोनों कैसे हो सकते हैं, यह दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। बाबा ने कहा बीती सो बीती, जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो। नया जन्म तो कौन से संस्कार होने चाहिए, हमारे ईश्वर के संस्कार इमर्ज होने चाहिए, दैवी गुण इमर्ज होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता, ब्रह्मा बाप निर्बंधन है, तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते। इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो यही है क्या है, बाप समान स्थिति, सदा नॉलेजफुल। जो सदा नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल तो सदा ज्ञान के स्वरूप, जो सदा ज्ञान के स्वरूप है वो हर पल हर क्षण निर्बंधन है, बंधनों के प्रभाव से मुक्त है, कोई बंधन को खींच नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सदा ये स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तीसरा, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी
यह क्वेश्चन ही नहीं, सफलता होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन ही नहीं, सफलता मूर्त है। ऐसे नशा रहता है, मास्टर शिक्षक हो ना जैसे बाप, शिक्षक की क्वालिफिकेशन है वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाबा कहते, बाबा शिक्षक है, हम सभी मास्टर शिक्षक हैं। बाबा की जो क्वालिफिकेशन, वही हम बच्चों की भी क्वालिफिकेशन। तो बाबा कहते हैं, बाप समान बने हो ना। कैसे पता चलेगा हम बाप समान बने हैं या नहीं बने? तो कुछ दिन पहले बाबा ने अद्वैतवादी में कहा था ना, स्थिति में सिर्फ बाबा के समान, और प्रैक्टिकल जीवन में कैसे चलना है उसके लिए हम बच्चों को माँ बाबा को फॉलो करना है। स्थिति में सिर्फ बाबा के समान, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे परिस्थितियों को फेस करना, कैसे इस कर्म क्षेत्र पर सेवाओं में कैसे आना, स्थिति को कैसे बनाना, पुरुषार्थ के रिलेटेड कुछ भी अगर जीवन का एक एग्जाम्पल देखना हो तो ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। तो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा के जैसे, स्थिति सिर्फ बाप समान। तो बाप समान बने हो ना, बाप समान किसको कहेंगे? कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो क्या करना, चेक करना, ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? ब्रह्मा बाबा ने ऐसी परिस्थिति को कैसे फेस किया, कैसे क्रॉस किया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवन में तो हर प्रकार की परिस्थिति आई ना, ऐसी कोई बात नहीं जो ब्रह्मा बाबा ने फेस ना की हो। तो ब्रह्मा बाबा के समान कैसे बनेंगे? ब्रह्मा बाबा के जीवन को, जीवन के लिए जो लिटरेचर है उसको स्टडी करना, ब्रह्मा बाबा के प्रति जो अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारण किए, उनके पुरुषार्थ के, उनके कैसे उन्होंने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, सारी वाणियों में खुलेटेड है। 18 जनवरी की हर वाणी में ब्रह्मा बाबा की भिन्न भिन्न विशेषताएं आती हैं, तो उनको स्टडी करना, उससे क्या प्रेरणा मिलती है कि ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था? तो ब्रह्मा बाबा ने इन परिस्थितियों में कैसे ज्ञान को यूज किया, बाबा की श्रीमत को यूज किया? और शिव बाबा के समान स्थिति, अपने मूल रूप में स्थित होना, बीच बीच में शिव बाप समान महात्मा, मूल स्वरूप में ब्रह्मा से साक्षी, ब्रह्मा को साक्षी होकर देखने वाला, बाबा के साथ कंबाइंड में आत्मा। तो बाबा कहते हैं, बाप समान बने हो ना, तो सभी ने कहा हाँ जी। बाबा के सामने जो संगठन है सभी ने हाँ कहा। तो बाबा कहते हैं, यह हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती है, इससे सिद्ध है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराती है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। तो बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। तो बाबा कितना मेरा अहंकारी है ना, बाबा कितना बच्चों के प्रति उसका कितना स्नेह है। बाबा ने क्या कहा, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सुमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सुमरन करते हैं? तो
बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो? हाँ, मैंने प्रश्न पूछा। जिस समय बाप माला सिमरन करते अर्थात अमृत वेला के समय उस समय आप सो तो नहीं जाते हो? शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली है, खुद कैसे सोएंगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, तो आगे निर्मला बहन को, डॉक्टर निर्मला दीदी के प्रति अव्यक्त आपका का महावाक्य। तो बाबा ने कहा, आप सभी देख सकते हैं, फोटो तो दीदी जी का स्क्रीन पर है, ज्ञान सरोवर के दीदी संचालक रहे। तो बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है, ऐसे महिमा योग्य रतन हो, जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बने हो। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश हैं, इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। सदा बाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा बाप का हाथ है। सदा यही चित्र अपने पास रखना। सर्वदैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। तो आज की मुरली का सार दो पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। दूसरा, जैसे रात दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। अच्छा, तो ये थी आज की मूली, प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। चलिए हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। सभी अपना पॉइंट या चिंतन शेयर कर सकते हैं।
आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा ने संगठन की शक्ति के बारे में बताया है कि संगठन में बहुत ताकत है। माया देखती है कि अगर इनकी यूनिटी अच्छी है और घेराव कर रखा है तो माया वहां जाने की भी हिम्मत नहीं रखती। और एक ही चीज बाबा ने बताई कि सभी निमित्त हैं, केवल एक को निमित्त नहीं समझना है, सभी को निमित्त है। अगर सब बाप ने निमित्त बनाया है, ये स्मृति रहे तो सफलता मिली रहेगी। सदा एक रस एक मत में रहें, इसी यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, जी ओम बताओ शांति। जी बताओ। हाँ, बाबा बोला जैसे रात दिन एकटा नई रहे सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों एकटा नई हो सकते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। ओम शांति। शांति ओम शांति भाई। माता की शांति। हाँ, ओम शांति माँ भाई। के बाबा ने कहा, शक्ति तुम शक्ति हो, सोने वाली तो नहीं, जगाने वाली हो ना। ओम शांति। जी सोने वाले को बताने वाले हैं ले खुद नहीं तो सबसे पहले ये बताया मैंने। और क्या कहा बाबा ने? मैंने ओम कहा जी शांति। अपने हाथ किया है बिना से ओम बोल रहे ओम शांति भाई जी। भाई, हैं। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि सदा स्मृति में रहे कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो जैसे बाबा ऐसे हम बच्चे भी हैं, यह भी स्मृति में इमर्ज हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म करते भी इमर्ज होगी, स्थिति भी बनेगी। बाबा फिर बाबा ने कहा, यह भी स्मृति में रहे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता हुई पड़ी है, हो नहीं सकता ऐसा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप बनो तब सफलता मूर्त बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, नॉलेजफुल से निर्बंधन बनो, क्योंकि आत्मा निर्बंधन है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब मैं निर्बंधन हूँ, कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकेंगे, मुझे अपने सत्य को जानने के लिए। बाबा बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। इसलिए हम अपने को आत्मा समझकर और कर्म हर परिस्थिति में बाबा का याद में रहें बाबा याद में रहेंगे तो बंधन मुक्त सफलता मुक्त बन सकेंगे। ओम शांति। रीमा जी ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सेवा सेवा के लिए सदा एक दूसरे संतुष्ट रहते हो, क्योंकि सेवा में संगठन में सेवा करते हैं ना, तो ऊपर नीचे कुछ एक दो के भाव मन में आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में जब आप निमित्त भाव रहोगे, निर्माण रहोगे, निस्वार्थ शुभ भावना सबके लिए होगी, जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, निस्वार्थ शुभ स्नेह सबके लिए होगा, तो इससे क्या होगा कि आप जो सेवा कर रहे हो तो सेवा का जमा का खाता होगा, कि आपको बल भी मिलेगा, स्वयं भी संतुष्ट रहोगे और सेवा का फल भी, कि सर्व भी संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसे जब सेवा करोगे तो सदा एक मत एक रस, एक ने कहा दूसरे ने माना, क्योंकि क्या है, क्योंकि संस्कार ये अभी के ये सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो निर्विघ्न सेवा, जब इस तरह सेवा रहेगी तो माया भी दूर से चली जाएगी, कोई खिटखिट नहीं रहेगी। तो सब अपने को निमित्त समझें कि बाबा करा रहा है, वही करावनहार है, तो ऐसे सेवा में सफलता मिलेगी और स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति। आपने हैंड रेज किया है गैलेक्सी जयपुर करके दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति भाई जी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में।
बाबा ने आज कहा है नंबर 1 पॉइंट में, बाप ने निमित्त बनाया है, यहाँ स्मृति रहे तो सफलता मिलता रहेगा। दूसरी पॉइंट में है, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन, यहाँ दोनों इकट्ठा नहीं रह सकते। तीसरी पॉइंट में है, नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन। ओम शांति। जी बताएंगे। ओम शांति। अच्छा जैसे बाबा ने कहा कि हम अगर नॉलेजफुल हैं तो कोई भी बंधन नहीं रह सकता। तो बंधन, शरीर का बंधन सबसे बड़ा है। अगर हम अशरीरी हो जाते हैं तो ये संबंध, परिस्थिति, लोक लाज के बंधन अपने आप छूट जाते हैं, अगर हम अशरीरी स्थिति में रहें, आत्मिक स्थिति में रहें। लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार के बंधन है ना, इनको तोड़ने में समय लगता है, बहुत काम करना पड़ता है। और बाबा की नॉलेज के बिना, बाबा की मुरलियों के बिना ये हम नहीं तोड़ पाते। ओम शांति। बाबा की मूवी में लाइट और नाइट दोनों है ना, दोनों हमें बंद स्वरूप करते हैं। दो पॉइंट बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे सेवा करते वक्त स्वयं भी संतुष्ट, बाप भी संतुष्ट, परिवार भी संतुष्ट रहेगा तो सेवा यथार्थ होगी, मैं बन नहीं रहा। और दूसरे योग के बारे में चाहिए, जैसे योग करते समय, बैठा योग करते समय तो योग अच्छा है, लेकिन दिन भर भी योग युक्त स्थिति में कर्म करेंगे तो ये बंधन कट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाप, थैंक यू। बाबा ने आज कहा कि संगठन की सेवा को बहुत मजबूत बनाना है, क्योंकि सदा एक रस और एक मत स्थिति रहे, एक ने कहा और दूसरे ने माना। अभी जो हम ये संगठन है तो वही हमारा सतयुग में एग्जाम्पल बनेगा कि हम एक बाप एक मत में एक ही संस्कार, सतयुग के एक ही राष्ट्रभाषा भाषा रहेगी, निर्विघ्न रहेंगे, और जहाँ संगठन की शक्ति होगी वहां माया एंटर नहीं कर सकेगी। ओम शांति। जी आपके पॉइंट बताएंगे। आज की मीटिंग में एक बहुत सुंदर पॉइंट है, आप सभी बताइएगा इसका आंसर। बाप ने डैश बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहे। सुरेंद्र बिंद, बाप ने डैश बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। क्या कहा था बाबा निमित ने, किसने सुना? जी बनाया है। राइट, बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। फिर आगे बाबा ने कहा, मनन की शक्ति से स्वयं की सोच को पावरफुल बनाना है। मनन की शक्ति से स्वयं की सोच पावरफुल होती रहेगी। ज्ञान का मनन करना अपने, सत्य का मनन करना आत्मचिंतन करना।
अभी पोल लॉन्च करेंगे। ठीक है, ओम शांति। हैंड रेस जिन्होंने किया है, माइक ऑन किया है, आपको कुछ बोलना है? आपको ओम शांति। ओम शांति। बाबा प्रकाश मणि, प्रकाश मणि अर्थात जिसका प्रकाश कभी लुप्त नहीं हो सकता है, इसलिए बाबा ने नाम रखा है। बोलिए निपुण बहन जी। जी, ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही मीठी बात कही कि बाबा बच्चों की माला का सिमरन करते हैं, कि हम तो भक्त रूप में बाबा का सिमरन करते ही हैं कल्प द्वापर से, लेकिन अभी संगम युग पे बाप बच्चों का की माला का सिमरन करते हैं। ओम जी, शांति। बहुत नशे की पॉइंट है सभी के लिए, पूरे दिन भर याद रखेंगे। बोलिए सावित्री बहन जी। साथ में बाबा ने जो सफलता जन्म सिद्ध अधिकारी, इतना नशा भी बाबा ने बताया। एक पॉइंट ये भी है, तो यहाँ पर जो बाबा ने कुमारियों को देख करके, बाबा जो बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पर कुमार और कुमारियों, कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। तो बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, त्याग का उमंग उत्साह देख, बाप दादा खुश होते हैं। तो ये बाप की महिमा, ये भी नशा होना चाहिए हमें, और सिमरन बता दिया है। तो अमृत वेले का भी यहाँ पे बाबा ने जो माला का बताया है कि सो तो नहीं जाते हैं, शक्तियां तो उसको जगाने वाली है। तो ये भी अच्छा है, नशे का पॉइंट। और निर्मला दीदी के लिए जो बाप दादा ने की जो महिमा करे उतनी कम है, वह दीदी के लिए बताया है। तो ये महिमा योग्य रतन है, जैसा नाम वैसे निर्माण चित्त के गुण से बीजे बनी है, और सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के आधार पर सर्व स्थानों को निर्मल बनाया। ओम शांति। जी बोलिए अंजिला शाह जी, बहन जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने निर्मला दीदी का गुण महिमा करते हुए बाबा ने कहा कि दीदी सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में है, और सदा बाबा की मदद दीदी को मिलती रहती है और मिलती रहेगी। और दीदी का मस्तक पर सदा बात कहा थे, तो हमें भी इससे इससे दीदी का विशेष गुण था निर्माणचित, ऐसे हमें रहकर बाप दादा के हाथ सदा हमारे मस्तक में अनुभव करना है। ओम शांति। जी भाई जी, आप हम सभी को होमवर्क देंगे और योग्य कराएंगे। तो आज के मंडे से हम सभी यही होमवर्क लेते हैं कि आज मास्टर नॉलेजफुल बन अपने हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन की भी चेकिंग करेंगे, और नॉलेज की लाइट और माइट से बंधन मुक्त होने का दृढ़ संकल्प लेंगे। तो आज का यही होमवर्क रहेगा।
हमें हर सूक्ष्म बंधन की चेकिंग करनी है और बंधन मुक्त होना है। अभी हम सभी योग करते हैं, हम परम धाम में और सूक्ष्म बंधन में अपनी बंधन मुक्त अवस्था को अनुभव करेंगे। सभी 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे परम धाम। शिव बाबा के पास देखें अपने मूल स्वरूप को। मैं आत्मा अपने मूल रूप में बिल्कुल बाप के समान संपन्न संपूर्ण हूँ। जैसे बाबा इस खेल को साक्षी होकर देखते हैं, एक एक सीन को न्यारे होकर अनअफेक्टेड बाबा के लिए हर सीन नथिंग। वही 5,000 वर्ष का ड्रामा बस रिपीट हो रहा है। बाबा आत्मा को भी, मुझ पाप समान आत्मा को भी ड्रामा को ऐसे ही साक्षी होकर देखना है। तभी आ जाए सूक्ष्म रतन में अपने फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। सर्वहद की आकर्षणों से परे, सर्वहद के बंधनों से परे, सर्वहद मैं बंधन मुक्त फरिश्ता जिसका देह भान रूपी स्पर्श से कोई रिश्ता नहीं। सभी आत्माओं के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना। सबको सिर्फ देना है, जो कुछ लेना ही नहीं तो कोई बंधन भी नहीं। मैं फरिश्ता सिर्फ विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ। करण करावनहार बाबा है, और मैं केवल निमित्त इंस्ट्रूमेंट।
शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। सभी ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम।